दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ गया है। बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा था और आपको कह रहा था कि जैसे फॉर्म लिस्ट आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपका सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भी आ गया है, तो बहुत खुशी की बात है। इस पे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों को सबको बता दीजिए कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ गया है, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स का भी और इंटरनल कैंडिडेट्स का। फटाफट इस वीडियो में रिकैप करूंगा, पूरा डिटेल वीडियो जाइएगा तो TBIT मेन क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं। बाकी इसमें इतना शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको डिटेल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट बताते हैं। सबसे पहले की एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। एलिजिबिलिटी आपकी यह है कि इस साल आपने टेस्ट दिया हुआ हो, टेस्ट में अपीयर होना भी चाहिए और 15% टेस्ट में मार्क्स भी आना चाहिए अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं। तो इंटरनल के लिए आपका 15% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप इस साल टेस्ट दिए हैं तो आप बेफिक्र एडमिशन ले सकते हैं। कितनी कमाल की बात है कि जीरो भी नंबर आया तो भी एडमिशन हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि जीरो आ गया तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कंडीशन यही है कि सिर्फ टेस्ट में अपीयर होना है। किसके लिए? तो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए। और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट में अपीयर भी होना है और 15 मार्क्स कम से कम टेस्ट में होना भी चाहिए। दो फॉर्म भरने हैं, साइंस के लिए और कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए, तो अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म का जो पैसा है वो 250 रुपया है, 250 रुपया दे के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं, पहले ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन अभी ऑनलाइन ही फॉर्म भरे हैं और लास्ट डेट है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से पहले भरने हैं और कैसे भरने हैं वो फटाफट बताता हूं। बाकी सीट्स देख लेते हैं कितने हैं। जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं टोटल सीट्स के 20% उनको मिलेगा, जो इंटरनल है टोटल सीट्स के अगेंस्ट में 80%। मान लीजिए कि 100 सीट है सेल्फ फाइनेंस में, कितना 100 सीट है, तो 80 सीट है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए और 20 सीट है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। समझ में आ गया? आपको क्या नहीं मिलेगा इसमें सेल्फ फाइनेंस में? आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, फीस आपको 27,000 देना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटर्नशिप मिलेगा जो कि बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान दीजिए इधर, जरूरी है इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप जरूर मिलेगा, ये फायदे हैं। अब आपको बता देता हूं मोटा मोटी आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एकदम बिल्कुल सिंपल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको इस लिंक पे, यहां पे देखिए, यहां पे इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो ईमेल तो आपके पास है लेकिन पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड देने के लिए आपको यहां पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे जाइएगा, देखिए इसी में दाहिने में ऊपर जाइएगा, यहां पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में आपका एप्लीकेशन नंबर देना है। कौन सा एप्लीकेशन नंबर? जिसका आपने एडमिट कार्ड निकालिएगा, पुराना एडमिट कार्ड जो इस साल का टेस्ट आपने दिया है उस पर एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, फिल कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपको पता ही है, पासवर्ड नए बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फिर लॉगिन पे जाके यहां पे आपको ईमेल एड्रेस देके और जो पासवर्ड अभी हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन में बनाया है, उस पुराने वाला पासवर्ड नहीं अभी जो बनाए वो पासवर्ड यहां डालिएगा, लॉगिन करके फॉर्म भर लीजिएगा। और आपको पक्का फॉर्म तभी माना जाएगा, यहां पे साफ साफ लिखा है, जब आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, तभी आपको पक्का फॉर्म माना जाएगा। और रिजल्ट कहां मिलेगा आपको? AMU controller exams.com पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। 27 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है। आपको इंटर्नशिप मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, आपको सिर्फ फीस ज्यादा है और हॉस्टल नहीं मिलेगा, बाकी आपको इंटर्नशिप मिलेगा। चाहे आप MBBS के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, BTech के लिए, BLLB के लिए, सब में आपको इंटर्नशिप मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर करके पुनः और नेकी काम कीजिए। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।